क्यों डरा रहे हो? अभी अभी जस्ट सो के उठा हूँ और एकदम से मेरे को फिर आपकी याद आ गई। मैं बोला नहीं यार, मन में एक बात आई है, उस बात को मुझे कहना है। बात कुछ ऐसी है कि तू चाहे लाख सुंदर हो जाए, एक बार और सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। तो सुबह की बात भूल लेनी चाहिए आदमी को, रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह की बातों के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, दिमाग फ्रेश होता है। पता नहीं कहाँ से मेरे मन में बात है और मैंने सोचा कि मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ही बात करनी है। चाहे लाख सुंदर हो जाए या तू चाहे लाख बदसूरत हो जाए, मैं हमेशा तुझे पहचानूंगा तेरे कर्मों से। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अरे वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, बहुत ही कम प्रेशर आ रहा है, ऐसा लग रहा है दो बूंद में क्या नहाऊंगा मैं। अच्छा, प्रेशर पंप बंद किया गया, ठीक है, आगे से। अभी भी नहीं आया, बहुत ही ठंडा पानी है, कैसे नहाऊं मैं, बिल्कुल चिल्ड बर्फ जैसा। ठंडी के कारण पूरा जम गया, ये पत्थर हो रहा है, प्रेस भी नहीं। ये है वाटर स्पोर्ट के लिए हेड माउंट गोप्रो का, दोनों उठा लिए। मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने होटल के ब्रेकफास्ट जोन में। उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है, हम खुद सर्विस करेंगे, हम खुद आपको खाना लाके देंगे, वो खाना नहीं लेना। मैं बोला नहीं लूँगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा और लाके दो मुझे। ये मुझे ऐसे देख रहे कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ, क्या हम एम्बुलेंस बुला लें। पाइनएप्पल खाली प्लेट, क्योंकि खाने के मामले में यम है, हम यम। खाने से मुझे बहुत प्यार, मेरे घर वाले भी परेशान है मेरी खाने के, ढूंढता रहता हूँ कहाँ अच्छे से अच्छा खाना मिल जाए जहाँ मैं खा सकूँ, पेट को खुशी मिलनी चाहिए। मोस्ट ऑफ बाहर जाने बहुत परेशान हूँ उस चीज़ से कि मेरे घर पे प्याज लहसुन नहीं बनता है। कोई बात नहीं, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, समय को कटने दो, क्योंकि सतयुग आएगा, बलिदान देना होगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। इडली, ना इडली के ऊपर कोकोनट चटनी डालेंगे, एक दुई एक द्वितीय, अच्छा है। श्री कुमार का फोन, हेलो गुड मॉर्निंग, अच्छा हाँ अच्छा लगा, अरे थैंक यू सो मच। अच्छा आज एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया था ना होटल का। हाँ, जो भी मतलब आपके कस्टमर्स हैं जहाँ पे भी आपको शेयर करना। भाई किसका फोन था पता है? कल जिस होटल से मैंने चेकआउट किया ना, उस बंदे ने मुझे फोन करके बोला सर मैंने आपका वीडियो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना अच्छा बोलने के लिए। और मैंने बोला यार जो अच्छा है उसको मैं अच्छा ही बोलूंगा और जहाँ गलत हुआ उसको मैं गलत ही बोलूंगा। बंदे ने मेरा उत्साह बढ़ा दिया कि नहीं। हमेशा हम किसी को अगर थोड़ा सा बोल देंगे ना, भाई अच्छा कर रहा है सर, अच्छा लगा, गुड, एक स्माइल दे देंगे किसी को, बस उसका दिन बन जाएगा और वो अपने पूरे दिन मेहनत करेगा। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गया वंडर वैली के लिए। वंडर वैली एक जगह है जहाँ 45 एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं 1000 रुपये में। तो वंडर वैली के लिए मैं निकल चुका हूँ और ये होटल से बहुत ही नज़दीक है। 45 एक्टिविटीज़ 1000 रुपये में, 45 एक्टिविटीज़। गुड मॉर्निंग। ओ भाई साहब, नो मैन, जब मैंने वो एक्टिविटी देखी ना वहाँ पे, कैप उड़ जाएगी, गोप्रो गिर जाएगा। देखिए मैं भाग के गया, हाथ में बांधने वाला भाई इसी रस्सी पे बंधा हुआ है, रस्सियों पे बंधा हुआ है। वहाँ से दो लोगों को फेंका उन लोगों ने और वो वहाँ तक गए, कमाल की फीलिंग है। ये देखो, मत करो ऐसा। गिरेगा तो नहीं हो नहीं। ये तेरा गॉगल ठीक है ना? लो चल दिए हम। सामने वाला जाली जाली देगा, हाँ दोनों हाथ छोड़ के जाली पकड़ना जा। लास्ट में वो जाली पकड़ना जरूरी है, हाँ। नहीं तो वापस आ जाऊंगा। नहीं तो वो लोग पैर में पकड़ेगा। अच्छा, नहीं तो पैर पकड़ लेंगे वो। वो लोग पकड़ना है तो रिटर्न आएगा। क्यों डरा रहे हो? यहाँ पे ना जाली पकड़ना ठीक है, ये वाला जाली
ठीक है भाई साहब छोवा मैंने GoPro का ये चेंज कर लिया उन दो लोगों को फेंकते हो जब देखा मैंने, नहीं तो कसम से मैंने GoPro छोड़ दिया होता वहाँ बीच में। दंगल लड़ेंगे दंगल। एक्टिविटी ओवर। इस बॉल को मैं पुश करूंगा, अगर वो रिटर्न आया तो मैं फेल, करेक्ट? ज्यादा हो गया, किसी का रुका आज तक? आपकी बार रुकेगा। रुका नहीं। एंग्री बर्ड, अगर उस पे लग गया तो वो मेरा फूटा, एक फूटा। ससुराल वाले बोलेंगे भाई साहब यू कहाँ खेल रहे हो वीडियो गेम, आग बंद कर रखी है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। स्प्रिंग लगा हुआ है वहाँ पे, इसकी वजह से मैं जब चल रहा हूँ तो ये जंप कर रहा है। एक बात मुझे आप लोगों से करनी है, लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरी राय है आपको जो अच्छा लगता है लाइफ में, जिस चीज को करने का मन करता है वो काम आप करो, माँ बाप की परमिशन लो और शुरू हो जाओ। वो एक डायलॉग सुना है आपने, साहब हम गरीब आदमी है, या तो सीखते हैं या जीतते हैं, हारते कभी नहीं है। आदाब, रस्सी पे साइकिल चलाना है, सर्कसों में देखा होगा, आज मैं चलाऊंगा वो। फैमिली करके रहना है और ये स्ट्रेट रख के पैडल को क्लॉकवाइज मार के जाना है, वहां तक पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद पैडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रिवर्स जाना है। रिवर्स स्पीड में, ओ भाई डर तो लगता ही है यार ऊंचाई से। जो काम मेरे बच्चों को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, बताओ। ज्यादा हिलेगा तो नहीं है, इजी है ना, इजी। अगर गिरा तो काम कर रहे हैं। अरे यार बहुत, हाँ व्हाट, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मुझे अभी वापस आ जाऊँ। अकेला तो अकेला, अकेला अकेला शहंशाह। वहाँ तक जाना है, वापस आना है, बुरे फंसे कार लेकर। राधे राधे। जम भाई तो ऐसे ले रहे ए? उसका काम है इस पे सोते और हम यहाँ डर रहे और हमारी लगी पड़ी है। लेकिन तकलीफ तो होगी ना भाई, नीचे तक जाऊँगा ना थोड़ा सा, समझते क्यों नहीं हो आप लोग, ये हिल कितना रहे। एनीबडी वांट्स टू गो सुसु, ऐसा हमें बोलते थे हमारे गाइड थाईलैंड में। ये देखो यहाँ सुसु सुसु हो रहा है सब। अब यहाँ से मुझे वापस भी जाना है, मैंने बोला वहीं उतार ले, नहीं बोली वापस भी आना है। जिद है, जिद लड़की की जिद है, तो पूरा करना पड़ेगा इसे। सब ठीक है, सब झेल लिया हमने, लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, इन तारों पे मैं यहाँ लटक रहा हूँ, तारों पे मकड़ियाँ हैं, मकड़ियाँ। अकेले रह गए हम दुनिया में। You are from? I am from Delhi. Marriage? Yeah, marriage, two children. Ah. In north side 20 or 225 marriage age. In Kerala it's 30-35. No. 25-26. 25-26. मैं घूमूंगा तो इसमें गिरूंगा भी। हाँ, उल्टा पलटी सब होगा। सब होगा। हंसी मजाक सब होगा। गाने वाने तो तुम भी आ जाओ मेरे साथ। नहीं होगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। ये गलत बात है।
तो सर इधर खींचने बहुत दिक्कत होगा, पूरा घूमेगा राउंड होगा और एक जगह रुकेगा नहीं, मानेगा है नहीं, जिद्दी लड़का है, निकलने में दिक्कत होगा फिर अपन दोनों नहीं निकल पाएंगे उसमें, हम दोनों यहीं रह जाएंगे, फंस जाएंगे। कहाँ से हो तुम? जबलपुर। जबलपुर, अरे वाह, जबलपुर गया था मैं एक बार, वो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है मालूम है, वहाँ गया था मैं। ग्लासेस, मेरे को ग्लास के ऊपर ग्लास पहनना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं अगर मैंने इसके ऊपर ये नहीं चढ़ाया तो। किसी को मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पे। इट्स माय यूट्यूब चैनल। वो बोल के गई मेरे को कि ये पकड़ लो, पता नहीं क्यों डरा के गई मुझे। ए भाई, हवा भी आ